चलो दोस्तों, इसके पहले हमने रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टिविटी क्या है, इसके बारे में डिस्कशन किया था। ओके, ओम्स लॉ देखा था। व्हाट इज ओम्स लॉ? वी इज इक्वल टू आई इनटू आर। ठीक है, अब इसके ऊपर कुछ प्रॉब्लम्स रहेंगे, वो एग्जाम में आते हैं, वो हम देखेंगे। सी एल, हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉ फ्रॉम अ 220 वोल्ट सोर्स इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब फिलामेंट इज 1200 ओम। क्या बोला है कि रेजिस्टेंस कितना है? 1200 ओम इतना बल्ब फिलामेंट में रेजिस्टेंस इतना है। एंड एट दैट टाइम कितना सोर्स वोल्टेज कितना वहां पे पास किया है? 220 वोल्ट इतना वोल्टेज है, मींस पोटेंशियल डिफरेंस इतना है, वोल्टेज इतना है। तो अपने को क्या करना है, करंट कितना पास हुआ है ये प्रूफ इसका फाइंड करना है। सीएल क्या फाइंड कर दिया, क्या है वोल्टेज, कितना दिया है 220 वोल्ट इतना दिया है। एंड एट दैट टाइम रेजिस्टेंस कितना है बल्ब फिलामेंट का? रेजिस्टेंस इज 1200 ओम, इतना रेजिस्टेंस दिया है। एंड अपने को क्या फाइंड करना है, हाउ मच करंट विल बी देयर, आई फाइंड करना है। कर सकते हैं, देखिए अपने को पास पता है बाय ओम्स लॉ क्या है। ओम्स लॉ क्या है? V इज इक्वल टू I इनटू R, पर तो बराबर है। तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा फिर? V बाय R इज इक्वल टू I हो जाएगा। तो I इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाय R। तो यहाँ पे I इज इक्वल टू, हाँ, V कितना है 220, रेजिस्टेंस कितना है 1200। तो I हमको समझ में आया कि वह I इज इक्वल टू कितना, 220 डिवाइड बाय 1200। तो 0 0 कैंसिल करो तो क्या रहेगा, 22 डिवाइडेड बाय 120। एक काम करो, दो से हम डिवाइड करेंगे, इधर दो से डिवाइड किया तो 11 आ जाएगा, दो से डिवाइड किया तो 60 आ जाएगा। अब 60 से 11 को डिवाइड करो, 60 से 11 को डिवाइड नहीं होता है, देयर फॉर हम जीरो लिखेंगे। पॉइंट दिया तो यहाँ पे एक जीरो बढ़ जाएगा, मीन्स यहाँ पे 11 के 110 बन जाएंगे। 110 को 60 से डिवाइड करो, डिविजन कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, बराबर है। देन कितना रिमेन यहाँ पे, 60 माइनस किया तो 50 रिमेन, बराबर है। यहाँ पे पॉइंट दिया था इसलिए यहाँ पे ऑटोमेटिक 500 बन जाएगी। 60 इंटू 500 के लिए किसकी जरूरत, 8 से मल्टीप्लाई किया था, 8 से 480, दैट इज 8 का यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड बन रहा है, दैट इज 0.18 ये आंसर रहेगा। इसके आगे 20, इसमें से फिर 20 माइनस किया हमने, इसके आगे जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब नियर अबाउट 0.18 लिखा तो आंसर आपको मिल जाएगा। तो करंट कितना फ्लो हो रहा है यहाँ पे, 0.18। एंड इसका यूनिट क्या है करंट का, एम्पियर। यूनिट क्या है, एम्पियर। ये पहला पार्ट समझ में, ओके पॉज करो। हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक हीटर कॉइल ड्रॉ फ्रॉम 220 वोल्ट सोर्स, मींस वहां अभी वोल्टेज कितना दिया है 220, एंड रेजिस्टेंस कितना दिया है 100 ओम। क्या फाइंड करना है, हाउ मच करंट विल इन इलेक्ट्रिक हीटर में कितना करंट रहेगा, वो ऐसा सेम क्वेश्चन है। तो वोल्टेज कितना दिया है पे, अपना जो बी नंबर का क्वेश्चन है, 220 वोल्ट वोल्टेज दिया है, देन दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं उसको। रेजिस्टेंस कितना दिया है 100 ओम रेजिस्टेंस दिया है। अपने को करंट फाइंड करना है, तो आपको पता है आई इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या है, V by R। तो I is equal to क्या, V कितना है 220 वोल्टेज, एंड रेजिस्टेंस कितना है 100, 0 0 कैंसिल, 10 से इसको डिवाइड करो 2.2, एंड करंट I इसमें आया एम्पियर। ओके, ये निकल कुछ लेगा, व्हाट इट स्टॉप आउट करो।